हेलो डॉक्टर शुभम। सिस्टर तुम जानती हो मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही। सॉरी डॉक्टर, बात ही कुछ जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? डॉक्टर शुभम, वो 13 नंबर वाली बॉडी है ना, उसका फिर से पोस्टमार्टम करना है। फिर से पोस्टमार्टम करना है, लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, डॉक्टर शाम के ऑर्डर्स हैं कि लाश को सुबह तक रेडी करना है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मैंने खुद उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, फिर से पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ललित के पिताजी ने मांग की है दोबारा पोस्टमार्टम करने की। ओके, ठीक है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। लाइट को भी अभी जाना था। दीनदयाल, ड्यूटी पर भी सोते रहते हैं। Thank you.
उसकी बॉडी तो यहीं रखी थी, तेरा नंबर ड्रॉअर में। कहीं स्ट्रेचर पर तो नहीं? तेरा नंबर? ललित? ललित कैसे जिंदा हो सकता है? हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। चल रहा था? शुभम ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना, ललित मर चुका है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो शुभम, हेलो। फोन भी नहीं उठा रहा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था? कोई इतना भद्दा मजाक क्यों करेगा? शुभम काफी डरा हुआ भी लग रहा था। कहीं ललित सच में जिंदा तो नहीं हो क्या? दर्शन, तुम आ गए। क्या हुआ समीर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो शुभम का फोन आया था। शुभम का? हाँ। इस वक्त? हाँ। क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया? What nonsense! नशे में तो नहीं था वो? दर्शन, पूरे होश में था वो। जब बात कर रहा था, डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे सुंदर लाश देख ली हो। सिमी, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो के ऐसी बातें करती हो? चलो। पर दर्शन, वो देखो, जहां तक शुभम का सवाल है, वो मॉर्ग में काम करता है ना, मुर्दों के बीच, इसलिए उसका दिमाग चल गया है और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखो तुम फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं उसकी खबर लेता हूँ, ठीक है? अभी चलो। लेकिन चलो। फिर उसने मुझे अभी फोन करके नहीं सिमी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। Thank you.
तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूं? Happy birthday, Simi. Thank you so much. कहा था ना मैंने तुझसे, तुझसे कहा था ना मैंने सिमी से दूर रहना। ललित क्या कर रहे? आज मेरा बर्थडे और आकाश मुझे सिर्फ विश कर रहा था। ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ये क्या चाहते हैं मुझे पता है। तुम पागल हो गए, पूरे पागल। सिमी देखो, सिमी मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई तुमसे बात करे या तुम किसी से बात करो। तुम सिर्फ मेरे हो सिमी, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो सिमी, तुम सिर्फ मेरे हो। हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। कहीं ललित सचमुच में वापस तो नहीं आ गया मौत की दुनिया से? सिमी, मैं हूं मैं। दर्शन क्या हो गया है तुम्हें, और तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो?
ललित है वो, ललित है। ललित कहाँ? वहाँ खड़ा है वो, वहाँ खड़ा है वो। कहाँ सिमी? वही खड़ा है दर्शन, वहीं पे वो है। वहाँ कोई नहीं है। वही है वो। वहाँ कोई नहीं है सिमी, ये देखो। यही खड़ा था वो। मुझे लगता है उस शुभम की बातों का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं दर्शन, मैंने उसे तेरे भी देखा। मैं वहाँ कोई नहीं है सिमी, कोई नहीं है वहाँ। इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, चलो। मैंने देखा उधर। चलो। अंकल आप? सिमी कौन है? ललित के डैड आए हैं, आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूं। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अंकल, सिमी ठीक नहीं है। क्या सिमी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अंकल इसे लगता है कि आपका बेटा ललित वापस आ गया है। क्या सिमी बेटा, तुम्हें भी? तुम्हें भी मतलब? पिछले कुछ दिनों से ललित बार बार मेरे सपने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तकलीफ में है वो, दहाड़े मार मार कर रोता है। पहले तो मुझे लगा कि ये सपने शायद ललित की मौत के सदमे की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है। वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है। हेलो डॉक्टर श्याम। हाय दर्शन। अच्छा तो आप हैं ललित के पिता? हाँ डॉक्टर, मैं ही वह भागा बाप हूं जिसके बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे के अर्थी का बोझ। देखिए आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका बेहद अफसोस। डॉक्टर श्याम, वो पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई? नहीं डॉक्टर दर्शन, मैंने डॉक्टर शुभम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो ललित की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करके रखे। तो क्या हुआ, डॉक्टर शुभम ने अभी तक डेड बॉडी रेडी नहीं की? नहीं ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। दर्शन, वो कल रात वाले हादसे के बाद उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? कल रात वाला हादसा? बेटी तुम किस हादसे के बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर श्याम वो कुछ नहीं, एक्चुअली कल रात को शुभम का फोन आया था मेरे घर पे और वो फोन पे काफी डरा हुआ था और कुछ नहीं, इट्स लाइक नथिंग। डॉक्टर शुभम डरा? अरे डॉक्टर शुभम कहाँ जा रहे हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये बताओ तुमने ललित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम की तैयारी तो मैं तब करूंगा ना सर, जब ललित वहां होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ललित की बॉडी मॉर्ग में नहीं है सर। मॉर्ग में नहीं है डॉक्टर, फिर कहाँ गया मेरा बेटा? वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आता सर तो आप खुद चलकर देख लीजिए, मॉर्ग खाली है।
तो तुम्हें ये ड्रॉअर खाली नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहता हूँ सर, कल रात को मैंने खुद देखा ललित को चलते हुए। कल रात ये ड्रॉअर खाली था सर। ड्रॉअर खाली नहीं था डॉक्टर शुभम, तुम्हारा दिमाग खाली है। अब जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो, और आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड कर देगा मुझे? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं, 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अरे ये तो डॉक्टर शुभम के चीखने की आवाज है, और ये मॉक से आ रही है। डॉक्टर शुभम कहाँ हो तुम? डॉक्टर शुभम, डॉक्टर, कमाल है, चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी। कहाँ चला गया? सिमी, लेकिन सिमी वो शुभम को कैसे मार सकता है जबकि खुद ललित की लाश वहां उस कमरे में पड़ी है? तो फिर किसने मारा शुभम को? उस कमरे में ललित के अलावा और कोई नहीं था, और बाहर से अंदर उस कमरे में कोई गया नहीं, तो किसने मारा शुभम को? मुझे लगता है कि सिमी ठीक कह रही है। हो सकता है ललित की मौत में शुभम का ही हाथ हो। लेकिन अंकल, शुभम ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो ललित की आत्मा ही बता सकती है। आत्मा? देखिए अंकल, ये आत्मा और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और मैं इन सब बेकार की बातों में नहीं मानता। देखो बेटा, हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना अच्छी बात है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अंकल, अंकल, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो आत्माओं से बात कर सकती है, वो हमारी मदद जरूर कर सकती है ना? हाँ बेटा, चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो हमारी बात ललित की आत्मा से करा सके। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ भकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। और जहां तक रहा सवाल ऐसी औरतों का, तो मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठती हैं ये, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है दर्शन? सिमी, कोशिश ठीक है, आप लोग कीजिए कोशिश, मुझे एक मरीज को देखने जाना है, मैं चलता हूं। एक्सक्यूज मी दर्शन। हेलो हेलो। हाँ जयंत। हाँ दर्शन, कैसा है? क्या बताऊं यार, तुझे पता है ना, शुभम की मौत हो गई। शुभम की मौत हो गई? वो कैसे? पता नहीं यार, पर उसे लगने लगा था कि ललित जिंदा हो गया।
ललित, ललित जिंदा हो गया? पर अब तो सिमी को भी ये लगने लगा है कि ललित जिंदा हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? चल मैं तुझसे बात बात करता हूँ, बाय। हेलो, हेलो, ललित जिंदा हो गया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माफ कर दो ललित, 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 नहीं नहीं, ललित रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों अपने हाथ टेबल पे रख दीजिए और जब तक क्रिया पूरी नहीं हो जाती आप दोनों में से कोई भी अपने हाथ टेबल पे से नहीं हटाएगा, कभी नहीं। ललित को जिससे भी बात करनी होगी वो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देगा।
अब मैं ललित को बुलाने जा रही हूँ। ललित, तुम्हारे पिता और तुम्हारी दोस्त सिमी तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आओ ललित, आओ। तुम्हें आना पड़ेगा ललित, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। ललित आओ, आओ ललित। ललित बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? तुम्हें आना होगा। बताओ ललित, क्या हुआ? ललित, ललित आओ ललित, तुम्हें इनसे बात करनी होगी। ललित बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? ललित आ जाओ, तुम्हें आना होगा। ललित आओ, आओ इनके साथ बात करो, इनसे बात करो। ललित आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तूने ये इंश्योरेंस करवा के ना बहुत अच्छा काम किया है। जिंदगी का क्या भरोसा यार, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। अरे उससे भी अच्छा काम इसने किया है, इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी अपनी होने वाली बीवी सिमी को बनाकर। अगर इसे कुछ हो गया तो कम से कम उसका भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। राइट। वैसे सच बताऊं तो जैन जी, इस पॉलिसी के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो दर्शन था जिसने मुझे ये सब बताया, तभी तो मैंने आपसे 1 करोड़ की पॉलिसी कराई है। यार दर्शन, यू आर माय ट्रू फ्रेंड यार, थैंक्स बडी। ध्यान से देखना। क्या हुआ ललित, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू तो जानता है दर्शन, ये सब चीर फाड़, ये खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाता यार। कम ऑन यार, तो थोड़े दिनों में डॉक्टर बनने वाला है, अगर इस तरह खून को देख के डरेगा तो मरीजों का इलाज कैसे करेगा? फ्यूचर किसने देखा यार, अभी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तुझे? एक मिनट। तू ये एक गोली खा ले, यू फील बेटर। ललित, ललित को दिल का दौरा पड़ना नेचुरल नहीं है,
इसे किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गईं। मैं जानता हूं, लेकिन ललित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम ऐसी किसी भी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ दिल के दौरे के बारे में लिखना। और हाँ, इसकी अच्छी खासी कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा, बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून मारा। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। पर बेटा, मेरे ललित को मारा किसने? हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी ने? शर्म आनी चाहिए तो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया है मैंने, ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत के जिम्मेदार हो ना तुम, तुमने मारा ना ललित को। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कहा? क्यों? हाँ, वो मैंने सच बता, कहीं ये सब तुमने उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया जो ललित मेरे लिए छोड़ गया? तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसीलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया।
मार डाला मेरे ललित को, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था, हर वक्त तुम पे शक करता रहता था, किसी और लड़के ने तुमसे बात क्या कर ली उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था प्यार करता था मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो। देखो सिमी, सिमी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो बस, चलो ना एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी, सुना तुम? जेल मैं सब कुछ जान चुकी थी लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम एक खूनी हो, खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगी, फांसी पे चढ़वाओगी मुझे। तुम्हारी ये हिम्मत, क्या क्या कर रहे हो? क्या कर? पुलिस में पकड़वाओगे मुझे। दर्शन क्या कर रहे हो? पुलिस में दर्शन, जहाँ ललित गया ना वहीं तुम्हें क्या चाहिए? सिमी, सिमी, दर्शन पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी, मुझे फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दर्शन। तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी जला दिया था ना, हाँ।
ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगू। ने!